हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में चैप्टर बायोमोलिक्यूल से हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज की हमारी टॉपिक है स्टार्च। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टार्च क्या है और स्टार्च की संरचना कैसी होती है। इस वीडियो में मैंने स्टार्च से संबंधित सभी पॉइंट को बहुत ही डिटेल में क्लियर किया है, बहुत ही बेसिक लेवल से आपको क्लियर करके बताया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि वीडियो को आप लास्ट तक देखें। मेरी गारंटी है कि यदि वीडियो को आप ध्यान से लास्ट तक देखते हैं तो आपको स्टार्च टॉपिक से दोबारा कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आपके इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाते हैं स्टार्च और बात करते हैं कि स्टार्च क्या है। आप जानते हैं कि स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है जो मुख्यतः आलू के कंद, चावल, मक्का, केला आदि में पाया जाता है। पौधे अपने ग्लूकोज का भंडारण स्टार्च के रूप में करते हैं। इस सेंटेंस को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। आपने अपने लोअर क्लास में यानी कि 9th और 10th में पढ़ा होगा कि पौधे यानी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और इस क्रिया में पौधे अपने भोज्य पदार्थ यानी भोजन का निर्माण करते हैं। पौधों द्वारा निर्मित भोजन होता है ग्लूकोज, जिसका वे उपयोग करते हैं और इसकी कुछ मात्रा को वे भंडारण करते हैं यानी स्टोर करते हैं कुछ मात्रा को। जब पौधों को ग्लूकोज को स्टोर करना होता है तो वे सीधे ग्लूकोज के रूप में उसे स्टोर नहीं करते हैं, वे ग्लूकोज को स्टार्च में बदलकर स्टोर करते हैं। यानी कि पौधे ग्लूकोज का भंडारण स्टार्च के रूप में करते हैं। अब ऐसा क्यों है? तो इसका कारण होता है कि ग्लूकोज ज़्यादा क्रियाशील यौगिक है, तो यदि ग्लूकोज का भंडारण कर दिया जाए तो कुछ समय में या लंबे समय तक जब उसको रखा जाएगा तो वो अभिक्रियाएं करके समाप्त हो सकता है, तो इसलिए स्टार्च में परिवर्तित कर देते हैं पौधे उसे। क्योंकि स्टार्च कम क्रियाशील है तो वह लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। दूसरी बात कि ग्लूकोज के भंडारण के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होगी और स्टार्च का भंडारण कम स्थान में किया जा सकता है। इसका कारण है कि ग्लूकोज से जब स्टार्च बनता है तो जल के अणु बाहर निकलते रहते हैं और जल के बहुत सारे अणु के बाहर निकल जाने के बाद वह स्थान खाली हो जाता है जहां पे स्टार्च की एक्स्ट्रा अमाउंट को स्टोर किया जा सकता है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी कि पौधे ऐसा क्यों करते हैं कि ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं या उनका भंडारण करते हैं। स्टार्च कि एंजाइम द्वारा जल अपघटन से अल्फा डी ग्लूकोज प्राप्त होते हैं। यानी कि यदि स्टार्च लें और उचित एंजाइमों द्वारा स्टार्च का जल अपघटन कराएं तो हमको अनेक अल्फा डी ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं। बात को इक्वेशन से समझते हैं। आप जानते हैं स्टार्च का सामान्य सूत्र होता है C6H10O5, इसको ब्रैकेट में करके नीचे N लिखते हैं। यह सामान्य सूत्र क्यों है? तो इसका कारण है कि स्टार्च का निर्माण ग्लूकोज के अणुओं के आपस में जुड़ने से होता है और ग्लूकोज के अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो जल का एक अणु बाहर निकल जाता है। ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है C6H12O6, जिसमें से जल का एक अणु बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा C6H10O5। और ऐसे बहुत सारे अणु जब एक साथ होंगे तभी तो स्टार्च कहेंगे। तो इसकी बहुत सारी संख्या को दिखाने के लिए यहाँ पे हमने N लिखा है। N का अर्थ यहाँ पर एक बड़ी संख्या से है। तो स्टार्च का जब हम जल अपघटन करते हैं एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में तो हमको माल्टोज प्राप्त होता है, जिसका पुनः जल अपघटन यदि माल्टेज एंजाइम द्वारा कराया जाए तो ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे N अणु ग्लूकोज के प्राप्त होते हैं और N यहाँ पर एक बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या में ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं और इसीलिए स्टार्च को हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको डिफाइन कराया था पॉलीसेकेराइड को, तो मैंने आपको बताया था कि पॉलीसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके जल अपघटन के बाद मोनोसेकेराइड के अनेक यूनिट प्राप्त होते हैं या एक बड़ी संख्या में मोनोसेकेराइड के यूनिट प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे
बड़ी संख्या में ग्लूकोज के अणु प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात स्टार्च पॉलीसेकेराइड। क्लियर बात है। साथ ही इसका उल्टा भी आप समझ सकते हैं, जब एन ग्लूकोज के अणु को हम आपस में जोड़ देंगे ग्लाइकोसिडिक आबंध द्वारा, तो स्टार्च का निर्माण हो जाएगा। यदि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ग्लाइकोसिडिक आबंध क्या होता है, तो इसको मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था और आज की वीडियो में मैं दोबारा से बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप आगे बने रहें, आपको समझ में आएगा कि ग्लाइकोसिडिक आबंध क्या होता है। अभी मैं बस आपको इतना बता सकता हूँ कि ग्लूकोज के जब अणु आपस में जुड़ते हैं तो एक विशेष प्रकार का आबंध बनता है ग्लूकोज के अणुओं के मध्य, जिसको हम ग्लाइकोसिडिक आबंध कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है। बहुलक का अर्थ क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई एक बड़ा अणु हो, स्टार्च एक मैक्रोमोलिक्यूल यानी बृहद अणु है, और इस बृहद अणु का निर्माण छोटे अणु से हुआ है जो कि है ग्लूकोज, यानी कि बहुत सारे ग्लूकोज जो कि छोटे अणु हैं आपस में जुड़ते हैं तो एक बृहद अणु स्टार्च का निर्माण होता है। तो स्टार्च को हम बहुलक कहेंगे और ग्लूकोज को कहेंगे हम स्टार्च का एकलक। ग्लूकोज के बहुत सारे रूप होते हैं। स्टार्च में ग्लूकोज किस रूप में होता है ये आपको ध्यान रखना है, अल्फा डी ग्लूकोज होता है, अर्थात अल्फा डी ग्लूकोज की अनेक अणुओं के ग्लाइकोसिडिक आबंध द्वारा जुड़ने से स्टार्च का निर्माण होता है। अभी मैं जोड़ के आपको समझाने वाला भी हूँ। स्टार्च अनअपचायक प्रकृति का होता है, अर्थात नॉन रिड्यूसिंग होता है। जो नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट होते हैं वे टालिन अभिकर्मक तथा फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करते। तो स्टार्च नॉन रिड्यूसिंग है यानी कि अनअपचायक प्रकृति का है, तो यह टालिन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। अब इसका कारण क्या है? तो आप जानते हैं कि फेलिंग विलयन या टालिन अभिकर्मक को अपचयित करने के लिए हेमी एसिटल या हेमी केटल समूह होना आवश्यक होता है। जब स्टार्च के निर्माण प्रक्रिया में ग्लूकोज के बहुत सारे अणु आपस में जुड़ते हैं तो जो हेमी एसिटल समूह होता है, तो हेमी एसिटल समूह के साथ हाइड्रॉक्सिल समूह होता है जिनका उपयोग हो जाता है ग्लाइकोसिडिक आबंध के निर्माण में। इसीलिए स्टार्च अनअपचायक प्रकृति का हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्योंकि सभी ग्लूकोज इकाइयों की C1 कार्बन पर जो हेमी एसिटल हाइड्रॉक्सिल समूह है यह ग्लाइकोसिडिक आबंध द्वारा या ग्लाइकोसिडिक आबंध निर्माण में प्रयुक्त हो जाता है, इसलिए स्टार्च नॉन रिड्यूसिंग नेचर का हो जाता है। स्टार्च का निर्माण दो घटकों से मिलकर होता है। इसका पहला घटक होता है एमाइलोज और दूसरा घटक होता है एमाइलोपेक्टिन। अब यदि स्टार्च को समझना है तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन को समझना होगा। एक बात आप अभी से ध्यान रखें कि स्टार्च का निर्माण होता है अल्फा डी ग्लूकोज के बहुत सारे अणुओं के आपस में जुड़ने से। अब हम समझते हैं कि एमाइलोज क्या है और एमाइलोपेक्टिन क्या है। दोनों को एक साथ समझेंगे, कंपैरिजन करके समझेंगे ताकि अच्छे से और हमेशा के लिए याद रहे। तो देखिए, एक पेज को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तरफ लिख दिया एमाइलोज और दूसरी तरफ एमाइलोपेक्टिन। अब पॉइंट वाइज दोनों में तुलना हम करेंगे। तो एमाइलोज के लिए पॉइंट हमने देखा, यह अल्फा डी ग्लूकोज का रेखी अर्थात अशाखी बहुलक है। तो आप जानते हैं कि एमाइलोज स्टार्च का ही घटक है, तो इसका निर्माण कैसे होता है? अल्फा डी ग्लूकोज के अणुओं के आपस में जुड़ने से। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है। परंतु यहाँ पे जो श्रृंखला बनेगी अल्फा डी ग्लूकोज की, यह अशाखी होगी। एमाइलोपेक्टिन की बात करें तो यह अल्फा डी ग्लूकोज का शाखी बहुलक है। एमाइलोपेक्टिन भी स्टार्च का ही घटक है और स्टार्च का निर्माण अल्फा डी ग्लूकोज के आपस में जुड़ने से होता है, तो एमाइलोपेक्टिन का निर्माण भी अल्फा डी ग्लूकोज के आपस में जुड़ने से होगा। खास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पे जो चेन बनेगी, जो श्रृंखला होगी, वो शाखी होगी। तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में अंतर क्या है कि यह अशाखित है और यह शाखी है। दूसरी बात, एमाइलोज के बारे में देखते हैं, यह स्टार्च का 15 से 20% भाग बनाता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन बाकी बचा हिस्सा
जो कि 80-85% है, एमाइलोपेक्टिन द्वारा बनाया जाता है। यह स्टार्च का 80-85% भाग बनाता है। एमाइलोज में 200 से 1000 तक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की इकाइयां C1C4 ग्लाइकोसिडिक आबंध द्वारा जुड़ी होती हैं। C1C4 ग्लाइकोसिडिक आबंध का अर्थ है कि जब ग्लूकोज की इकाइयां जुड़ेंगी, ग्लूकोज के अणु जुड़ेंगे, तो एक अणु का पहला कार्बन दूसरे अणु के चौथे कार्बन के साथ ग्लाइकोसिडिक आबंध बनाएगा। उस आबंध को हम कहेंगे C1C4 ग्लाइकोसिडिक आबंध। एमाइलोपेक्टिन के बारे में देखते हैं, तो इसमें अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयां C1C4 ग्लाइकोसिडिक आबंध द्वारा जुड़ी होती हैं, परंतु शाखन की जो क्रिया है, शाखाओं के निर्माण के स्थान पर C1C6 ग्लाइकोसिडिक आबंध भी बनता है। एमाइलोज जल में विलेय होता है और एमाइलोपेक्टिन जल में अविलेय होता है। तो ये चार पॉइंट एमाइलोज के बारे में है और चार पॉइंट एमाइलोपेक्टिन के बारे में है, इनको आपको ध्यान रखना है। इन पॉइंट्स को मैं आगे एक्सप्लेन करते हुए आपको क्लियर भी करूंगा। तो चलिए पहले हम बात करते हैं एमाइलोज की संरचना पर। अभी मैंने आपको बताया कि एमाइलोज अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है, अशाखीय बहुलक है। तो एमाइलोज के निर्माण के लिए या एमाइलोज बनाने के लिए हमको बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज की जरूरत होगी, क्योंकि बहुलक का निर्माण होता है बहुत सारे यूनिट के आपस में जुड़ने से। यहाँ पर मैंने अल्फा डी ग्लूकोज के दो अणुओं को लिया है। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि एमाइलोज में C1C4 ग्लाइकोसिडिक आबंध होता है, अर्थात एक ग्लूकोज का पहला कार्बन दूसरे अणु के चौथे कार्बन के साथ ग्लाइकोसिडिक आबंध बनाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों कार्बन कैसे ग्लाइकोसिडिक आबंध का निर्माण करते हैं। ग्लाइकोसिडिक आबंध के निर्माण प्रक्रिया में जो कार्बन होते हैं, इनके हाइड्रॉक्सिल समूह आपस में क्रिया करते हैं और इनकी क्रिया से जल का एक अणु बाहर होता है। तो देखिए, यहाँ पहले वाले कार्बन से OH को हम बाहर कर रहे हैं और इस चौथे वाले कार्बन के OH समूह से हाइड्रोजन को बाहर कर रहे हैं। इन दोनों के बाहर होने के बाद पहले वाले कार्बन की एक संयोजकता बिगड़ जाएगी, जो कि OH से कम्प्लीट थी, और इस चौथे कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा है, इसकी एक संयोजकता बिगड़ गई है, जो कि हाइड्रोजन से कम्प्लीट थी। तो अपनी संयोजकताओं को कम्प्लीट करने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, जिसको मैंने यहाँ पर ग्रीन लाइन से दिखाया है। और इसी आबंध को, जो C1C4 के बीच ये ऑक्सीजन को लेकर ये बॉन्ड बन गया, इस पूरे बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या हिंदी में कहेंगे ग्लाइकोसिडिक आबंध। इसको प्रॉपरली यदि हम बनाएं तो C1 यानी पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में हम रख देंगे ऑक्सीजन परमाणु को, और एक ब्रिज की तरह बनाकर पहले कार्बन और चौथे कार्बन को जोड़ देंगे, बीच में ऑक्सीजन परमाणु होगा। इसे ऑक्सीजन बॉन्ड भी कहते हैं, या फिर इसको ग्लाइकोसिडिक आबंध भी कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक आबंध कहाँ से कहाँ तक है? तो पहले कार्बन से लेकर चौथे कार्बन तक। तो इसलिए इसको हम कहेंगे 1,4 ग्लाइकोसिडिक आबंध, या हम कह सकते हैं C1C4 ग्लाइकोसिडिक आबंध। तो इस प्रकार हमने दो ग्लूकोज के अणुओं को आपस में जोड़ा। आप जानते हैं कि एमाइलोज के निर्माण के लिए बहुत सारे ग्लूकोज के अणु को आपस में जोड़ना होगा, क्योंकि एमाइलोज अल्फा डी ग्लूकोज अणुओं का एक बहुलक है। एक और यूनिट को यहाँ पे जोड़ते हैं और फिर बात को और क्लियर करते हैं। तो देखिए, आगे मैंने अल्फा डी ग्लूकोज का एक नया अणु लिया। यहाँ पर भी आबंध का निर्माण हम करेंगे, विशेष आबंध बनाएंगे, जिसको हम कहेंगे 1,4 ग्लाइकोसिडिक आबंध। आप जानते हैं एमाइलोज में हमेशा 1,4 ग्लाइकोसिडिक आबंध ही बनता है, और बनेगा कैसे? तो पहले वाले कार्बन से OH, चौथे कार्बन का ये वाला H जल के रूप में बाहर होगा, और फिर यह ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा, और यहाँ पर एक ब्रिज की तरह बॉन्ड बनेगा, जिसको हम कहेंगे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? इसी प्रकार बहुत सारे ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़ते चले जाएंगे और एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी, जहाँ पे हजारों ग्लूकोज के अणु होंगे, तो उस लंबी श्रृंखला का नाम हो जाएगा एमाइलोज। आगे हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, फिर भी हम दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो पहला कार्बन है आगे ग्लाइकोसिडिक आबंध बना रहा है। देखिए, ये ग्लाइकोसिडिक आबंध आगे बना रहा है, और चौथा वाला कार्बन भी आगे ग्लाइकोसिडिक आबंध बना रहा है इधर की तरफ। इस तरह एक लंबी श्रृंखला बनेगी, और इस लंबी श्रृंखला को हम कहेंगे एमाइलोज।
एमाइलोज के बारे में अब आपको क्लियर है कि यह अल्फा डी ग्लूकोज का अशाखी बहुलक है। आप देखें कि यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही है, एक रेखीय श्रृंखला बन रही है जो कि अशाखी है। दूसरी बात कि एमाइलोज में हमेशा C1C4 ग्लाइकोसिडिक आबंध बनता है, केवल एक प्रकार का ही ग्लाइकोसिडिक आबंध बनता है एमाइलोज में, C1C4 ग्लाइकोसिडिक आबंध। उम्मीद है एमाइलोज की संरचना आपको क्लियर है। अब हम देखेंगे स्टार्च के दूसरे घटक को जिसका नाम है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन के बारे में आप जानते हैं, एमाइलोपेक्टिन जो होता है शाखीय बहुलक होता है अल्फा डी ग्लूकोज का। तो यहाँ पर हमने एक रेखीय बहुलक ले लिया, एक दूसरा रेखीय बहुलक ले लेते हैं और इन दोनों को यदि हम आपस में जोड़ देंगे तो इसके लिए यह शाखा बन जाएगी। क्लियर बात है। तो यहाँ पर आप एक बात समझ चुके हैं कि जो एमाइलोपेक्टिन है, पहली बात तो यहाँ पर 1,4 ग्लाइकोसिडिक आबंध होता ही होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं C1C4 ग्लाइकोसिडिक आबंध होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था। लेकिन जब शाखाओं का निर्माण होता है तो वहाँ पर C1C6 ग्लाइकोसिडिक आबंध बनता है। तो इस चेन के लिए, इस ऊपर वाली चेन के लिए, इस नीचे वाली चेन को हम इसकी शाखा बनाएंगे। शाखा बनाने के लिए C1C6 ग्लाइकोसिडिक आबंध बनाएंगे। तो यहाँ पर इस शाखा में जो पहला कार्बन है इसके OH और छठे कार्बन के OH के बीच क्रिया कराकर ग्लाइकोसिडिक आबंध बनाएंगे। तो ग्लाइकोसिडिक आबंध निर्माण क्रिया में जल का एक अणु बाहर होगा। इसके बाद ये कंडीशन आएगी कि पहले कार्बन की एक संयोजकता खराब हो चुकी है और इस ऑक्सीजन की भी एक बैलेंसी बिगड़ चुकी है। तो अब ये दोनों अपनी बैलेंसी को कंप्लीट करेंगे आपस में जुड़कर। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हम बनाएं तो ऑक्सीजन को बीच में रख देंगे और पहले कार्बन और छठे कार्बन तक एक बॉन्ड बना देंगे जिसको ऑक्सीजन बॉन्ड कहेंगे, या फिर हम कहेंगे 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आप देख रहे हैं, ये जो संरचना देख रहे हैं इसका नाम होगा एमाइलोपेक्टिन। और आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एमाइलोपेक्टिन में 1,4 ग्लाइकोसिडिक आबंध के साथ साथ 1,6 ग्लाइकोसिडिक आबंध भी होता है। और 1,6 ग्लाइकोसिडिक आबंध का निर्माण सिर्फ तभी होता है जब शाखा बनती है, यानी कि शाखन की क्रिया में, ब्रांचिंग पोजीशन पर। अभी मैंने आपको कुछ पॉइंट बताया था एमाइलोपेक्टिन के बारे में। मैंने बताया था कि एमाइलोपेक्टिन अल्फा डी ग्लूकोज का शाखी बहुलक है। तो आप देखें यहाँ पर एक सीधी श्रृंखला गई, फिर ब्रांच हो गया यहाँ पर, तो शाखी बहुलक हो गया। दूसरी बात, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक आबंध होगा और इसके साथ साथ C1C6 ग्लाइकोसिडिक आबंध भी होगा। और C1C6 ग्लाइकोसिडिक आबंध कहाँ होगा? जहाँ पे शाखाओं का निर्माण होगा। तो यह संरचना है एमाइलोज की और एमाइलोपेक्टिन की। ऐसे बहुत सारे एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन जब आपस में जुड़कर एक ग्रुप बना लेते हैं तो उसे ग्रुप को हम स्टार्च का नाम देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गई है, सभी पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं। यदि ऐसा है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित अपने थॉट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए और हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे।